सर यहाँ का सबसे अच्छा लोगों को कौन सा पसंद करते हैं लोग? सर मिनी पंजाब रेस्टोरेंट नाम रखने का क्या रीजन है? हमारे यहाँ पे कूलर चाय भी मिलता है, आइए दिखाते हैं। यह है चिकन जी। ओके, कैसा लगता है यहाँ पे खाना? तो अगर जैसे सैटरडे और संडे को ज्यादा रश हो जाता है, नॉनवेज के दोनों अलग सेपरेट बर्तन है हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साधन और आप सबका स्वागत है एक और नए और वेरी इंटरेस्टिंग फूड ब्लॉग में। दोस्तों मैं इस वक्त बाली कुमार से मौजूद हूं, जहां बाली कुमार बोले तो डिमना से थोड़ा सा आगे, और एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना है जो हाईवे में अभी काफी फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मिनी पंजाब रेस्टोरेंट, और यहाँ पर आज दिखाऊंगा किस तरह से रेस्टोरेंट है और यहाँ पे किस तरह से खाना मिलता है, क्या कुछ खाना मिलता है और क्या खास मिलता है। और इस होटल का नाम है मिनी पंजाब। इस मिनी पंजाब में क्या कुछ खास मिलता है और क्या कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या कुछ सुविधा है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस ब्लॉग में, तो चलिए बने रहिए। दोस्तों ये है रेस्टोरेंट मिनी पंजाब का फ्रंट लुक है, और यहाँ का आने के लिए आपको डिमना से जस्ट 1.5 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, फिर आपको ये शानदार सा रेस्टोरेंट मिनी पंजाब मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है और क्या है यहाँ पे मिनी पंजाब का खास। तो चलिए अंदर चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये है रेस्टोरेंट मिनी पंजाब का, ये है फ्रंट लुक है। ये अंदर आएंगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगी। यहाँ पे काउंटर है और यहाँ पे ये बैठने का है, और उस साइड भी बहुत तरह से हॉल बनाया गया है, छोटा छोटा रूम बनाया गया है, और ठहरने के लिए ऐसी रूम भी लगाया गया है। सब कुछ यहाँ पे मिनी पंजाब रेस्टोरेंट में ये सुविधा है। तो चलिए यहाँ पे ओनर है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है और क्या कुछ खास है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ यहाँ के ओनर है मिनी पंजाब रेस्टोरेंट का, तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण सिंह है। ओके, तो मिनी पंजाब आने के लिए आपको डिमना से कितना किलोमीटर है, थोड़ा लोकेशन बता दीजिए लोगों को। जैसे आप डिमना चौक पर पहुंचते हैं तो कोलकाता रोड पे आप 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलता है, उसके जस्ट 10 कदम राइट हैंड साइड पे आपको मिनी पंजाब दिख जाएगा रेस्टोरेंट। सर मिनी पंजाब रेस्टोरेंट नाम रखने का क्या रीजन है? जैसे जमशेदपुर को तो हम लोग मिनी पंजाब मानते ही है, क्योंकि वो जमशेदपुर जितने पंजाबी है मतलब और दूसरे स्टेट्स पे कम है, कंपैरेटिवली पंजाब में जितने हैं सेकंड है जमशेदपुर में इंडिया में, तो इसीलिए हम लोग का कॉन्सेप्ट था, हम लोग बीइंग पंजाबीज तो हम लोग सोचे कि एक रेस्टोरेंट खोलना है, बचपन से पापा का शौक था, तो हम लोगों ने इसी के नाम पे मिनी पंजाब नाम दे दिया कि ये पंजाबी पूरा फैमिली बेस्ड रेस्टोरेंट है। ओके, क्या पंजाबी स्टाइल में खाना भी यहाँ मिलता है? सब मिलता है यहाँ पर। ओके, तो सर मिनी पंजाब में क्या कुछ खास मिलता है ये बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर आपको जो नॉर्मल खाना है दूसरे रेस्टोरेंट में मिलता है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको मिलता है। आप यहाँ पे ए टू जेड चीज, जैसे अगर आप पनीर से ले लो या चीज वगैरह, सब ब्रांडेड चीज होता यूज होता है, कोई पैक्ड फूड भी होता है, चिकन वगैरह कुछ पैक्ड नहीं रहता है, सब फ्रेश आज के आज दिन का यूज होता है और कल के लिए फ्रेश आता है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्थडे मैरिज सेरेमनी सबके लिए यहाँ पे रूम रेंट में मिलता है, हॉल में मिलता है, तो सर आइए रूम दिखाइए। ओके सर, ये आपका पूरा ओपन स्पेस है, यहाँ पे कस्टमर आके बैठ सकते हैं, जैसे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग कस्टमर अगर कोई बाहर बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ओपन स्पेस है, ये माउंट व्यू है, यहाँ पे जस्ट रोड के ऑपोजिट आपको माउंट व्यू है, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा देसी स्टाइल देने के लिए यहाँ पे हम लोग खटिया वगैरह भी बिछवा के बिठवा देते हैं, कस्टमर्स चाहते हैं आइए आपको और दिखाते हैं। तो रेस्टोरेंट खुलने का समय क्या रहता है? रेस्टोरेंट होता है 10 बजे आपको ओपन होता है। Okay. और वो क्लोज होता है वही रात के 11:30-12 जितने बजे तक कस्टमर्स का इन होता है। Okay. तो ये हो गया अपना रेस्टोरेंट, अभी बनवाया हम लोगों ने बढ़िया से। Okay. ये अपना रेस्टोरेंट है। Okay. स्टार्टिंग पे जैसे हम लोग मंडे टू लेकर फ्राइडे सैटरडे तक ये चलता है, क्योंकि कस्टमर्स जैसे ज्यादा बल्क में अगर आते हैं तो हमारे पास दूसरा रेस्टोरेंट भी है तो चालू होता है। ये सब पूरा वर्क है, ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है अपना, एसी वगैरह सब है इस पे, ये भी 10 बजे सुबह खुल जाता है। ओके, कितना टेबल कितना यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी है? आप 50 आदमी आराम से बैठा सकते हैं एक बार पे। ओके, और भी रूम है वो सब जी थोड़ा सा रूम फ्री है, बहुत सारे चीजें आइए, ये थोड़े बहुत ग्रीनरी करने के लिए
लोग यहाँ पे आराम से सेल्फी या फिर फोटो फोटोशूट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद ये भी टेबल है, जैसे कस्टमर्स क्या की जैसे अभी मौसम बहुत अच्छा है तो उसके लिए कस्टमर्स बाहर बैठना चाहेंगे तो बाहर बैठने का भी साधन है अपने पास। उसके बाद ये अपना है, ये अपना मैरिज हॉल है। ओके तो अगर जैसे सैटरडे एंड संडे को ज्यादा रश हो जाता है अच्छा। तो लोग इसको रेस्टोरेंट पे कन्वर्ट कर देते हैं अच्छा। और इसके साथ साथ जैसे ये अपना गेट है डायरेक्ट, वो जो रेस्टोरेंट हम लोगों ने खाया अभी उसका गेट है, ये बीच से खुल जाता है और उसके बाद ये पूरा रेस्टोरेंट एक हो जाता है। और ये भी एसी, पूरा एसी की रेस्टोरेंट है और यहाँ पर भी कम से कम आप 100 बंदे बैठा सकते हो। मतलब इन टोटल मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं एक बार में 100 से लेकर 150 आदमी एक बार आराम से बैठा सकता हूँ। जमशेदपुर में नहीं होगा किसी के पास। जरूर जरूर, ये बर्थडे और मैरिज सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मैरिज सेलिब्रेशन, किटी पार्टी सब हम लोग सब लेते हैं और सबके लिए हम लोग बुक करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे अगर आप मैरिज करते हो तो ये पोर्शन और जो बाहर का पोर्शन हम लोगों ने दिखाया वो आपको मिलता है, उसको कोई चार्जेस नहीं लगते। सर इसका कैसे बुकिंग कर सकते हैं लोग? जैसे बुकिंग हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है, बट फिर भी अगर वेज का प्लेट बोलते तो 550 से स्टार्ट होता है। अब जैसे आप वैरायटीज बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू भी चल जाता है उसका। और उसके बाद नॉन वेज का आप ले लो 600-650 से स्टार्ट होता है और हॉल का चार्जेस कुछ नहीं होता, पूरा इंक्लूसिव होता है। बाकी बस आपको जो खर्चा होता है वो होता है, बस बलून का डेकोरेशन अगर करवाना है उस पर एक्सक्लूसिव है, और अगर कुछ पंडाल वंडाल जो भी सजावट वगैरह वो सब एक्सक्लूसिव होता है खाने पर। ओके जी, तो बुकिंग के लिए कुछ कॉन्टेक्ट नंबर या फिर? बुकिंग पे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कर सकते 8521717077। मेरे पास फादर साहब का नंबर है, आप एनी टाइम इस पे कुछ भी इंक्वायरी करनी है, आपको कुछ फूड रिलेटेड है, अगर होम डिलीवरी भी करवाते हैं हम लोग डिमनो चौक तक, अगर 500 के नीचे हुआ तो फिर 25 चार्ज होता है, 25-50, और अगर 500 के ऊपर तो हम लोग कोई चार्जेस नहीं देते। ओके, और ऊपर और भी रूम है जी? ऊपर हमारे पास रेसिडेंशियल भी रूम है, आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए आपको ऊपर के रूम दिखाते हैं। चलिए, जैसे ये अपना छोटा स्टेयर हो गया ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों आपके नीचे में आपको दिखा दे किस तरह से हॉल आप वहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, और इधर ऊपर आपको रहने के लिए भी रूम है, तो वो दिखाते हैं आपको। थोड़ा ये सब कंस्ट्रक्शन में चल रहा है इसीलिए इसके लिए माफी चाहूंगा। ओके, जैसे ये अपना कॉरिडोर है अपर के लिए। सर रूम तो बहुत ज्यादा है जी, अपने पास टोटल 27 रूम्स है। ये ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर हो गया अच्छा। और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है okay। तो हम लोगों के पास बेसिकली 2 से 3 तरह का रूम है अच्छा। जैसे एक है नॉर्मल रूम जो हम लोग देते हैं 1000-1200 रुपए का, चालू एक है जी दिखाइए, और एक होता है एक्सक्लूसिव रूम जो है 1500 रुपए का, जो बड़ा रूम होता है हम लोगों का। और अब हम लोगों के पास 27 में से 25 रूम एसी है, बस 2 ही नॉन एसी है। ओके ओके, तो जैसे ना ज्यादा लग्जरी रखा क्योंकि इस रोड पे एनएच और लोकल हाईवे है, नेशनल हाईवे सॉरी, तो उस पे आदमी ना ज्यादा लग्जरी चाहेगा ना कम, तो हम लोग प्राइस भी शॉर्ट रखना था, 1500 रुपए हम लोगों ने रखा है। जो 1500 रुपया 24 घंटे की बात, 24 घंटे की, 24 घंटे हाँ जी। ये टीवी में एसी है अच्छा, एसी रूम है, यहाँ तक कि आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से अच्छा जी। तो हम लोगों को कॉस्ट भी मिनिमम रखना था, तो हम लोगों ने सोचा कि ना ज्यादा पड़े ना कम पड़े, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सही ना आपका छोटा रूम है ना बड़ा रूम है, 1500 रुपए का हम लोगों ने 24 आवर्स का रूम रखा है। और एसी टीवी वगैरह जितना मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट सब होता है, आप फुलफिल हो सकता है और कुछ खराब नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हमारा किचन है, ये ओपन किचन है, बट फिर भी हम लोग बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ पे हर एक चीज मिलेगा आपको, चिकन से लेकर हर एक आइटम वगैरह। ये अपने स्टाफ है, ये लोग दिन में 3 से 4 बार तो मोपिंग ही करते हैं, इतने क्लीन रखते हैं वो लोग अपने। ये जैसे एक डिश बना रहे हमारे हेड शेफ है, ये एक डिश बना रहे हैं, ये आपको लाइव किचन में आपको मिल जाएगा ना जी। और सब कुछ कस्टमर्स के सामने है, कस्टमर चाहे तो इधर आके खड़े होकर देख भी सकते हैं क्या बना, खाना प्रिपेयर होकर। हम वेज नॉन वेज के दोनों अलग सेपरेट बर्तन है हमारे पास, दोनों धुल के बनते हैं और बढ़िया से बनते हैं। यहाँ तंदूर भी है क्या जी? इधर आ जाइए। जैसे ये सेक्शन अपना इंडियन सेक्शन है, उसके बाद ये अपना चाइनीज सेक्शन होता है, और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे पास 2 तंदूर भी है, ये एक और ये। तो ये नॉर्मली ये चलता है ज्यादातर, बट अगर जैसे फॉर संडे अगर ज्यादा भीड़ रहता है तो फिर वो भी हम लोग मांगते हैं।
तो बट इतना हीट रहता है, बट फिर भी हमारे जो तंदूर के बंदे वो तो आउटस्टैंडिंग है, वो लोग फिर भी अपना करते हैं इतने गर्मी में भी। तो अभी हमको क्या टेस्ट करवाएंगे मिनी पंजाब रेस्टोरेंट का, कोई कौन सा आपको मतलब कौन सा लोग पसंद करते हैं? जैसे आज अभी तो सावन चल रहा है तो आपको हम पनीर बटर मसाला खिलवाते हैं जो मतलब पूरे जमशेदपुर में जो पनीर है वो हम जो यूज करते हैं वो कोई नहीं यूज करता। वो पनीर का प्राइस ही है 480 रुपए किलो जो हम पनीर यूज करते हैं, तो वो पूरे जमशेदपुर में कोई 5 स्टार से लेकर आप 4 स्टार रेस्टोरेंट भी ले लो कोई जमशेदपुर में कोई यूज नहीं करता। हम आपको उसको शॉप के लिए आपको हम खिलवा कर दिखाते हैं, फिर आप हमें रिव्यू दे लो। आइए चलिए मिनी पंजाब रेस्टोरेंट का चलिए आपको खाना टेस्ट तो बताते हैं, क्या खाना मिलता है, कैसे प्राइस है, सारा कुछ दिखाएंगे। जैसे आपको लाइव किचन मिल जाएगा, लाइव किचन जैसे कि आप इधर बैठ के बैठेंगे और यहाँ पे खाना ऑर्डर करके आप देख सकते हैं क्या कुछ बन रहा और कैसे बन रहा है। तो चलिए हम भी टेस्ट तो बताते हैं मिनी पंजाब रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट का कैसा, प्राइस क्या है और टेस्ट क्या है। सर यहाँ का सबसे अच्छा लोगों को कौन सा पसंद करते हैं लोग? चिकन झारखंडी। चिकन झारखंडी, हाँ अच्छा। चिकन झारखंडी, मुर्ग मशरूम और मटन चंपारण। ओके, ये सब यहाँ पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं ना? हाँ, ज्यादा पसंद करते। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बन रहा है छोले भटूरे, लाइव चिकन में आपको इस तरह से छोले भटूरे मिल जाएगा। ये बन रहा है छोले भटूरे, इसका प्राइस एक प्लेट का 100 रुपया। तो चलिए यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे खाना क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है और कहाँ से आए हैं। तो भैया कहाँ से आए आप लोग? बिरसा नगर। बिरसा नगर से यहाँ पे आए खाने के लिए? जी। ओके, कैसा लगता है यहाँ पे खाना? अच्छा लगता है खाना। अच्छा लगता है खाना? पहली बार आ रहे कि इससे पहले भी आ चुके हैं खाने? रेगुलर है 3 साल से। रेगुलर 3 साल से यहाँ पे खाना आ रहे खाने के लिए। यहाँ का सबसे बेस्ट कौन सा अच्छा लगता है? सर यही आलू पराठा। ओके, और नान यहाँ का, और बजट फ्रेंडली है। ओके, और उसमें रॉयल्टी है आपके पास, हाइजीन है यहाँ पे। ओके, देखिए बेसिकली यही है कि हाइजीन के लिए आते हैं यहाँ पे, और थोड़ा व्यू भी है यहाँ पे। व्यू तो एकदम शानदार सा है जी। बिल्कुल, थैंक यू भैया। हमारे यहाँ पे कुल्लर चाय भी मिलता है, आइए दिखाते हैं। ओके, कुल्लर चाय, लस्सी भी मिलता है। यहाँ राधे सर चाय बनाते हैं, कुल्लर चाय दिया जाता है। ओके, इसका प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस 25 रुपीज। ओके, पूरा बजट में है 25। हाँ, 25 रुपीज, खाली दूध से ही बनता है। प्योर दूध? हाँ, सिर्फ दूध से बनता है, कोई पानी उनी नहीं जाता है इसमें। okay. इलायची विलायची सब अदरक वाले चाय अलग से मिलता है। okay. और हम लोग के यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलता है देखिए सब अमूल का है। अमूल? सब अमूल का मिलता है हम लोग के यहाँ पर। okay. फ्रेश क्रीम भी हम लोग का अमूल का है। okay. तो आपके यहाँ पे कुल्लर चाय या फिर लस्सी लोग पसंद करते हैं ज्यादा? हाँ, कौन सा पसंद करते हैं? कुल्लर चाय बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पर जो भी आता है कुल्लर चाय जरूर पीते हैं। शाम को ज्यादा भीड़ होता है कुल्लर चाय, पकौड़ा, ऑनियन जीरा पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ये सब के लिए। यहाँ का पनीर भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छी जगह से पनीर मिलता है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ का कुल्लर चाय टेस्ट करके बताते हैं यहाँ का कुल्लर चाय कैसा है। वो क्या दोस्तों, फाइनल हमारे आज पास आ चुका है कुल्लर चाय, मिनी पंजाब रेस्टोरेंट का कुल्लर चाय हमारे पास आ चुका है। तो चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ कुल्लर चाय कैसा लगता है। किस तरह से टेस्ट है आप ये पी के पता चल जाएगा आपको, काफी फेमस है और काफी अच्छा भी लग रहा है कुल्लर चाय जिसका दाम है 25 रुपीज। ठीक, तो उसको पानी भी हमारे पास आ चुका है, ये देखो पानी भी आ चुका है हमारे पास, ये प्लेट। तो सर बताइए कौन सा क्या है, प्राइस क्या है? सर एक पनीर बटर मसाला, ए चिकन लवाब दाल, पनीर बटर मसाला फुल प्लेट आपका 300 रुपये,
और चिकन लवर हो गया 4 पीस का 330, ये बटर नान हो गया बटर नान 45। दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है पनीर बटर मसाला और ये चिकन का आइटम है, तो चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कौन सा बेस्ट है और क्या खास है, और प्राइस तो आपको दिखा दें, तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये बटर नान, ये देखिए ये बटर नान, आप एक हाथ से टूट रहा है आप समझ सकते हैं, और ये है चिकन, ये है चिकन, चिकन आप देख सकते हैं किस तरह से टूट रहा है, ये देखिए। एक हाथ में टूट रहा है, ग्रेवी आप देख सकते हैं, यह है ग्रेवी। तो चलिए पहला बाइट लेते हैं, देखिए चिकन लिए, देखिए चिकन के साथ पहला बाइट लेते हैं, एक नंबर, बटर का साइज आप देख सकते हैं और कितना मुलायम है आप समझ सकते हैं, अब जो पनीर के साथ आपका टेस्ट करके बताते हैं, क्या ये सलाद है। तो चलिए अभी सावन का मौसम है, इसलिए पनीर का टेस्ट करके आपको बताते हैं, पनीर का टेस्ट कैसा है, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, एक नंबर, दूसरा वाइट है, यह सलाद भी आ गया, सलाद, चलिए नींबू सर ले लेते हैं, ओके, थोड़ा सा प्याज और चिकन लेते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं। चिकन का कितना आप सॉफ्ट है, एक हाथ में टूट गया, अब देखते हैं। दोस्तों फाइनली हमने खाना कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ का खाना ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी बहुत अच्छा लगे यहाँ का खाना। ये रेस्टोरेंट काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है और ख़ास बात यह है कि साफ सुथरा बहुत अच्छा है। तो सर बताइए जमशेदपुर को लोगों क्या कहना चाहते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी खाना खाए, एक अगर कभी भी आप कोलकाता जाते हैं या इस तरफ आते हैं NH 33 की तरफ, एक बार आप खा कर जाए इतना मैं गारंटी देता हूँ कि अगली बार आप पाओगे ही आओगे। और सिर्फ जमशेदपुर के वासी नहीं है, बेगले जो कोलकाता में रहते हो कहीं भी रहते हो, अगर NH हाईवे कोलकाता हाईवे से कहीं भी आप जा रहे हो, आप मिनी पंजाब में बस एक बार खा कर जाओ, अगर आपको खाना नहीं पसंद आया तो आपको 100% रिफंड हम करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे तरफ से भी एक बार मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप भी हाईवे से इस तरह से गुजर रहे तो एक बार मिनी पंजाब रेस्टोरेंट जरूर आइए। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा पसंद आया तो अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।